आदाब एंड वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको मछली तेल में फ्राई करने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगी, जिससे तेल के छींटे कम हो जाएंगे और जलने का डर भी नहीं रहेगा। इसी के साथ मछली को फ्राई करने के ऐसे टिप्स दूंगी जिससे कि मछली ऊपर से कुरकुरी फ्राई होगी और अंदर से एकदम सॉफ्ट जूसी रहेगी। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि मछली तलें और जले ना, ऐसा मुमकिन ही नहीं होता है। तो आज की वीडियो में जानेंगे मछली फ्राई करने का बेस्ट तरीका। इसके लिए वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और चले फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मछली फ्राई करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ली है 1 केजी फिश ताजी। इसे बहुत साफ 4-5 पानी से धो लीजिए। धोने से पहले मछली में नमक और नींबू लगा दें। इसके बाद बेसन डालकर इसे साफ धोएंगे तो मछली के कतले बहुत साफ धुल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कटोरी अरारोट का पाउडर। इसके अलावा आप कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नमील या मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। ये कलर के लिए, ये मिर्ची तेज़ नहीं होती है। 1 टीस्पून खुशबू वाला गरम मसाला पाउडर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसे वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। इसके लिए इसे हम एक बड़े बाउल में पलट लेंगे। ये हो गया, इस साइड में करेंगे। और मछली में हम ऐड करेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पर मेरे पास 2 नींबू का रस है। इसे मछली में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अरारोट का पाउडर, जिसमें हमने मसाले मिक्स करके रखे थे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पाउडर इसमें डालकर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, जिससे कि मछली के टुकड़ों पर इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी। मछली धोने के बाद इसका पानी अच्छी तरह से निथार लेना है, और जो इसमें हमने नींबू का रस ऐड किया था ना, उसी में ये थोड़ा सा गीला होकर इसकी अच्छी कोटिंग हो जाएगी। अगर आपको ज़रूरत लगे तो 1 टीस्पून इसमें पानी ऐड कीजिएगा, वरना तो ये इसी में अच्छी तरह से कोट हो जाती है। तो पूरा अरारोट का पाउडर इसमें मैंने ऐड कर दिया और इसकी अच्छी कोटिंग इसमें मैंने कर ली है। अगर आप ज़्यादा कुरकुरी मछली पसंद करते हैं तो आप डायरेक्ट इसे इसी स्टेज पर फ्राई कर सकते हैं। मछली में लगभग 80% तक पानी की मात्रा होती है, जिसकी वजह से मछली तेल में डालते ही तेल छींटे मारने लगता है। लेकिन इस तरह से मछली फ्राई करने पर इसकी संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसे हम आधे घंटे के लिए कवर करके रख देते हैं। आधे घंटे बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मछली को रखे हुए आधा घंटा हो गया है, इसे हम फ्राई करेंगे। इसके लिए एक पैन में तेल लेकर मैंने पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था। एक बार तेल के तेज़ गरम होने के बाद आंच को धीमा कर दें और एक एक पीस इस तरह से ड्रॉप करते हुए इन्हें फ्राई करेंगे। मछली को इस तरह से फ्राई करने में तेल भी ज़्यादा नहीं उछल रहा है और इसे हम आराम से फ्राई कर पा रहे हैं। तो एक साइड से इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से फ्राई होने देंगे, फिर इसे हम पलटेंगे। मछली एक साइड से फ्राई हो गई है, इसे हम पलट लेते हैं। और दूसरी साइड से भी मछली को 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। लाजवाब टेस्ट पाने के लिए इसे हम दोनों तरफ से सुनहरा फ्राई होने तक तलेंगे। औसम टेस्ट पाने के लिए आपको इसे लगभग 15 मिनट तक भूनना होगा। तो इसे हम पलटते हुए 15 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मछली फ्राई हो गई है, इसमें बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। इसे हम निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी की बची मछली को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर गर्मा गर्म मछली फ्राई हो गई, और आप देख सकते हैं ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी रहती है ये मछली, और अंदर से सॉफ्ट और जूसी। एक पीस मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इसे ट्राई करें। मछली पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह।